खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। कोरोना वायरस जैसी महामारी के प्रकोप से आज पूरा देश जूझ रहा है, उसके साथ ही दुनिया भी कोरोना वायरस के संकट का सामना कर रही है। लॉकडाउन के चलते पूरा देश थम सा गया है। ऐसे समय में राज्य सरकारों को उनकी जनता के लिए जरूरी सामान उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं राज्य सरकार अपने प्रवासी मजदूरों को लेकर भी चिंतित है। खुद झारखंड सरकार ने अपने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए पहले चरण में सहायता ऐप के जरिए 1,11,000 से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों के बैंक अकाउंट में सीधे 1,000 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कई राज्यों में हमारे राज्य के मजदूर फंसे हुए हैं, जिनकी मदद करना हमारा फ़र्ज है। उन्होंने कहा कि इस ऐप के जरिए करीब 2.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। झारखंड सरकार ने प्रवासी मजदूरों की मदद की है। इस ऐप में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, उन मजदूरों के खातों में सरकार के द्वारा 1,000 रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। इसकी जानकारी आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी। रामेश्वर राव जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, झारखंड के वित्त मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में आपका। बहुत धन्यवाद आपको। सर, एक बड़ा सार्थक कदम आपके द्वारा लिया गया, 1,000 रुपए की आज वो राशि जो है वो अकाउंट में पहुंचा दी गई है। और किस तरीके से मजदूरों की मदद के लिए सरकार प्रयास कर रही है? जी ऐसा है कि बाहर जो हमारे मजदूर झारखंड के फंसे हुए हैं जी विभिन्न राज्यों में, उनके लिए तो हम ऐप खोद बना करके उनको दिए और उसमें जो इंफॉर्मेशन उनका मिला उसके आधार पर आज हम लोग 1,11,568 प्रवासी मजदूर भाइयों को हम लोग 1,000 दिए जी। और इसको और आगे बढ़ाएंगे। इंफॉर्मेशन तो और भी आया है लेकिन वेरिफिकेशन बाकी है, तो जैसे जैसे वेरिफिकेशन होगा कुछ कल देंगे कुछ परसों देंगे। इस तरह से हम जितने भी स्ट्रैंडेड हैं फंसे हुए हमारे मजदूर भाई झारखंड के, उनको सबको हम 1,000 का रकम से देंगे सबको। और जो हमारे भाई यहाँ अपने स्थानीय मजदूर हैं जी, तो विधानसभा सभी विधायकों को 25-25 लाख मिला है विधायकों को मजदूरों को देने के लिए मदद करने के लिए, तो 1,000 हम लोग को देना है। 1,000 यहाँ के मजदूरों को चिन्हित करके अपने अपने क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के मजदूर भाइयों को 1,000 हम लोग देंगे। वो भी करने आगे बढ़ रहा है, काम आगे बढ़ रहा है साथ साथ। हाँ जी जी हाँ, इसमें साथ साथ हम लोग खाद्यान्न दे रहे हैं। लगभग लगता है कि सर्वव्यापी हो गया है ये यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी, एक तरह से कह लीजिए आप। सबको हम लोग जो जरूरतमंद अभी हैं, अभी सभी जरूरतमंद हो गए हैं, ताकि काम नहीं है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, दुकानें बंद हैं, तो खेती बाड़ी जिनको नहीं है, जिनको अपने अन्न नहीं उपजाते हैं, उनको तो दिक्कत हो रही है। इसीलिए हमारी सरकार ने, हेमंत जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तय किया हम लोग बैठ करके हम लोग जो अनाज मांगेगा अभी सबको देंगे 10 KG के हिसाब से। बिल्कुल सभी को दे रहे हैं। बिल्कुल सर, स्वागत योग्य कदम है आपका। और लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से एक चीज ये भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी एक निर्णय लिया है, वो अपने जो मजदूर हैं जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं उनके लिए उन्होंने एक नई व्यवस्था की है, उनको वो वापस लेकर आएंगे और क्वारंटाइन करेंगे अपने ही राज्य में लाकर, तो क्या इस प्रकार की किसी योजना को लेकर भी विचार कर रही है हेमंत सरकार? नहीं, ऐसा है कि इसमें भारत सरकार का गाइडलाइन को हम लोग मान रहे हैं जी। भारत सरकार का गाइडलाइन कहता है कि इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट का मूवमेंट नहीं होगा जी, ना जहां जो जहां हम वहीं रहेंगे। अब लोग बताएं, आप ही बताएं, आप ही सब बताएं, हमें बताएं कि कैसे हम ला सकते हैं। बिल्कुल, अगर इस तरह का गाइडलाइन है तो नहीं ला सकते हम लोग। बिल्कुल, बड़ा सवाल है। हाँ, बहुत बड़ा सवाल है कि एक तरफ तो हमको भारत सरकार के साथ रहना है, भारत सरकार जो इस संकट की घड़ी में जो गाइडलाइन दे रही है उसको हमारा पालन करना है। हम समझते हैं कि हमें सबको पूरे देश को पालन करना है। चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रामेश्वर राव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बन्ना गुप्ता जी जुड़े हुए हमारे साथ, स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के। सर, आपका बहुत स्वागत है।
हाँ जी नमस्कार वन्ना गुप्ता जी, लगातार अन्य सरकारें भी कदम उठा रही हैं और हेमंत सोरेन सरकार भी काफी सक्रिय नजर आ रही है, केस रिकवर भी आपके यहाँ किए जा रहे हैं, किस प्रकार की और व्यवस्थाएं आप झारखंड में कर रहे हैं जिससे मरीजों की संख्या ना बढ़े, खासतौर से हिंदपीढ़ी जो इलाका जो हॉटस्पॉट भी बना हुआ है आपके यहाँ? नहीं, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी रामेश्वर उरांव जी, मैं, हमारे कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन जी और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी ने अभी एक बैठक भी किया था और बैठक करके हम लोगों ने बहुत सारा एक उप कमेटी बनी है, मंत्रिमंडल की उप समिति बनी है, वो समिति ने बैठ के बहुत सारे अभी निर्णय किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है कि कैसे करके हम आगे जो है व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से कर सकते हैं। और उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक ऐप का भी जो है निर्माण एक सप्ताह पूर्व किया था और आज उसमें जो है 1,11,568 लोगों को सीधे जो है 1,000 रुपया करके उनके खाते में भेज दिया गया है। बिल्कुल, तो हम लोग सभी दिशा पर हम लोग काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के साथ साथ जो है हमारे वित्त मंत्री जी लगे हुए हैं कि कैसे खाते आपूर्ति जो है गरीब ग्रामीण को कैसे मिले उसके लिए लगे हैं जी। हमारे कल्याण मंत्री लगे हैं, हमारे जो है कृषि मंत्री लगे हैं कि कैसे किसानों को जो है वो हमारा पशुपालन जो है पशुपालन धन जो बचे उसके लिए उनको जो है पुआल वगैरह और उनके खाने के सामान। बिल्कुल बन्ना जी, पूरी सरकार आपकी जो है वो सार्थक प्रयास करने में लगी हुई है और पूरे देश में लगातार सरकारें यही इसी प्रकार के कदम उठा रही है। एक मेरा सवाल और रहेगा आपसे, चूंकि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, सर आप तक आवाज पहुंच रही है? हमारा संपर्क टूट गया है बन्ना जी से, स्वास्थ्य को लेकर ही उनसे एक सवाल और किया जा सकता था। हालांकि एक झारखंड सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, काफी सराहनीय प्रयास हैं, जो सरकार लगातार लोगों को ट्रैक कर, मजदूरों को ट्रैक कर, उनके बैंक अकाउंट्स में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है इस ऐप पर, उनके बैंक अकाउंट में सीधे 1,000 रुपये ट्रांसफर कर रही है। उन सभी पर हमारे देश के विभिन्न राज्यों में राज्य के अनेकों मजदूर फंसे हैं, झारखंडवासी फंसे हैं और आज उनको हम राशन तो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं यहाँ से, लेकिन आर्थिक रूप से उनको हम मदद पहुंचाने का निर्णय हम लोगों ने लिया था और उसके अनुरूप आज हम लोगों ने पहले चरण में 1,11,000 झारखंड के प्रवासी मजदूरों को भेजने का काम किया है। हर एक के खाते में 1,000 रुपये पहुंच गए और अभी तक हमारे इस पोर्टल में लगभग 2,47,000 2,50,000 के लगभग लोगों ने रजिस्टर्ड कराया है और चूंकि ये इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम है, इसके तहत बैंकों की और खातों की जांच प्रक्रिया आवश्यक होती है। इसको लेकर 2-3 दिनों का जो समय लगा और अभी जो और खाते और जो लोग रजिस्टर हुए हैं उनके खातों की जो वेरिफिकेशन होने हैं, जैसे जैसे वेरिफिकेशन होते जाएंगे वैसे वैसे राज्य सरकार उन खातों में पैसे देने का काम करेगी।